ताज दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। हम लोग जा रहे हैं कि ताजमहल देखने के लिए। तो सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 7 बज चुके हैं, अभी 7:05 हो रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे ताजमहल देखने के लिए, क्योंकि उठने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए होटल में ब्लॉग नहीं बना पाए। हम लोग सीधा जाएंगे पहले ताजमहल, इसलिए रास्ते में आके ही कैमरा ऑन किया है मैंने। एक्चुअली ये जो ताजमहल का एंट्री है, ये आपका VIP एंट्री है, तो इसलिए रोड का मतलब इतना अच्छा सजावट है, देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह में लोकल लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए हैं। हम लोग बाइक रखे आए क्योंकि बाइक अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, आप रोड देख सकते हैं, ये है VIP एग्ज़िट और VIP एंट्री। तो यहाँ से आपको काफ़ी दूर पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए अलाउड नहीं है अंदर तक आपको लेके जाने के लिए बाइक्स वगैरह। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं। हम लोग इधर से एंट्री लिए ताजमहल का फ़ोटो, यहाँ से जैसे आपका 1901, 1910, 1959, तो ये ऐसे होता गया। 1985 में ब्लैक एंड वाइट था और 1987 में कलर फ़ोटो आ गया, और उसके बाद से फ़ोटो का जो चेंजेस होते गए वो यहाँ पे दिखा गया है। देखिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो आइडेंटिफाई किया उसी का फ़ोटोज़ और उसका सब पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गाइड, टूर गाइड जो है, टूर गाइड इनको एक्सप्लेन कर रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, एंट्री लेंगे ताजमहल का। बहुत साल के बाद मैं लास्ट आया 2006 पे, और 2006 के बाद आज हमारे फिर से एक बार एंट्री हो रहा है ताजमहल देखने के लिए। बहुत खुशी हो रहा है। अभी ये ऑफिस बन चुका है, ये सब ऑफिस है। अभी यहाँ पे सभी डोर लॉक्ड है। तो सुबह सुबह इसका व्यूज़ क्या लग रहा है यहाँ पे। एंट्री, ये है एंट्री गेट, यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। और अभी सुबह का 8 बज रहा है क्योंकि हम लोगों को आने में बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करना पड़ा, बहुत सारा चेकिंग है, सिक्योरिटी चेकिंग बहुत है यहाँ पे, इसके वजह से हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे ताजमहल से एंट्री लेंगे, मगर अभी मतलब टूरिस्ट का भीड़ कम है, मतलब रश कम है। तो जैसे दिन बढ़ता जाएगा रश बढ़ता जाएगा। चलिए ताजमहल के एंट्री लेते हैं और आपको दिखाते हैं ताज। ताजमहल इंडिया का शान और इंडिया का आइडेंटिफिकेशन ये आ जाता है इसमें। बहुत खूबसूरत जगह है। और ये है ताजमहल का बहुत खूबसूरत सीनिक व्यू, एकदम सेंटर है, एकदम सेंटर वाला फोटो। ये ताज
और ये है जमुना नदी। अगर मैं ताजमहल का मतलब आपको हिस्ट्री या जानकारी देता रहूं तो आपको पूरा दिन भर लग जाएगा, मगर यहाँ का इतना हिस्ट्री है, इतना इन्फॉर्मेशन है, वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अभी जो है जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताज दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ पर आप आएँगे तो टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, मगर बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं जितने बार आया मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे। बहुत सारा वीडियो और फोटोग्राफीज किए। चलिए ताजमहल बाय बाय। और ये हम लोगों का साइड वाला एग्जिट है जहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ। ताजमहल से निकल गए, अभी मैं जा रहा हूँ होटल में। एक्चुअली ताजमहल देखते हुए बहुत टाइम लग गया क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ना बारिश हुआ, ज़बरदस्त बारिश हुआ। तो मैंने यहाँ पे लोकल लोगों को पूछा, भाई बारिश रुक जाएगी या बचेगी? बोले यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होता, आधा घंटा 45 मिनट बारिश होता है मैक्सिमम, उसके बाद रुक ही जाता है। ऊँट का गाड़ी टूरिस्ट के लिए, मतलब यहाँ पे आपका घोड़ा वाला गाड़ी, ऊँट का गाड़ी, ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए घोड़े का काफी सजावट है, बना के रखे है। चलिए होटल में चलते हैं, उसके बाद पैकिंग फैकिंग रेडी करते हैं और निकल चलते हैं नया डेस्टिनेशन के लिए। आ गए अपना होटल अशोक पैलेस। अभी लगभग टाइम हो रहा है 12:30 घड़ी में, और हम लोग अभी आगरा से निकल रहे हैं होटल से, क्योंकि सुबह हम लोग ने ताज दर्शन किया, आया फ्रेश हुआ, लगेज लोड किया और अभी निकल जाएंगे। आज का डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया हम लोगों ने क्या शान से खड़े हैं यार, क्या शान से खड़े हैं। उनको बुजुर्ग है, काफी एज है, मगर क्या अरे ताज है, इसलिए तो ताज है भाई, ताज है, मैंने देखा ही नहीं जो मैं बात कर रहा था। आज हम लोग जा रहे हैं, डेस्टिनेशन जो हमने सिलेक्ट किया है वो है क्या है, चंडीगढ़। अगर हमने टाइमली मतलब ज़्यादा नहीं थकते तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रास्ता कवर कर ले, चंडीगढ़ से आगे भी जाए तो नेक्स्ट डे हम लोगों का थोड़ा इजी हो जाएगा कल के लिए। तो अभी ऐसा है कि होटल से तो निकल गए, मगर हम लोगों को थोड़ा चाय पीना है। चाय पी के फिर निकल जाएंगे। भाई कोई छोटा मोटा टपरी तो दिखा दे, मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये VIP रोड है। अरे मेरा दोस्त किधर गया? हो गया हम लोगों का चाय पीना और अभी लेट हो गया थोड़ा सा, पर कोई नहीं, आराम आराम से जाएंगे। और अभी ये हाईवे पकड़ लेते हुए हम लोग सीधा निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए।
ऑफिशियली जमुना एक्सप्रेसवे में आ चुके हैं। मैंने जो टोल काटे थे ना जमुना एक्सप्रेसवे के लिए, तो बीच में एक टोल गेट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जिट और एंट्री है, तो मुझे पर्ची दिखाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो लगा था ये 205 रुपये लगा था। स्कैन हो गया है और हमारा काम हो गया है। दो मिनट रुका है वहाँ पे, 2 मिनट अंदर से पूरा पसीना पसीना हो गया। जमुना से एक्सप्रेसवे का खत्म हो गया, धन्यवाद। थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद नोएडा चला जाऊंगा। ये भाई साहब क्यों रुक रहा है? हम लोग अभी दिल्ली बस पहुंच ही गए, तो दिल्ली होते हुए हम लोग निकल जाएंगे सीधा आपका चंडीगढ़ के लिए। तो क्योंकि यहाँ से मैप सेट किया मैंने, तो मैप पे यहाँ पे अभी कम टाइम दिखा रहा है, और मतलब रोड का कंडीशन जैसे आपका ट्रैफिक वगैरह कम दिखा रहा है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि यहीं से निकल जाए। गूगल आंटी इतना बात करती है इसलिए वॉल्यूम कम कर दिया है। फर्स्ट टाइम ऑन बाइक आई एम इन दिल्ली। कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि बाइक लेके भी दिल्ली आ सकते हैं। यह है दिल्ली का फ्लाईओवर। फ्लाईओवर से अच्छा व्यू आ जाता है, मगर ये मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे बाढ़ का काफी पानी भी है। यहाँ पे जो दिल्ली में बाढ़ आया था तो यहाँ पे पानी है, तो शायद इसके लिए थोड़ा ट्रैफिक भी स्लो होगा। मुझे नहीं पता ये कौन सा जगह है, मैं बस गूगल मैप को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ आगे। एम्स लेफ्ट हैंड साइड मयूर विहार और अक्षरधाम, शायद से पेड़ की वजह से नहीं दिख पाए, मगर मुझे जाना है स्ट्रेट। मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेरा देश का जो कैपिटल है उसके सड़कों में मैं अपना खुद का बाइक लेके बाइक चला रहा हूँ। मतलब ये आपको मैं बोल के बयां नहीं कर सकता। अभी मैं जमुना को फिर से एक बार क्रॉस कर रहा हूँ और ISBT दिखा रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन। नदी पूरा भरा हुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था 1 2 3 4 5 मतलब इस साइड में 5 लेन, एक आपका साइड वाला सर्विस लेन और उसके साइड में अपोजिट लेन, मतलब 10 से 11 लेन का रास्ता। मैंने ये लेन में कभी रास्ता गाड़ी चलाऊंगा पता है, मतलब क्या बोले, कभी सोचा भी नहीं था मैं। मैं दिल्ली मेन क्राउड से बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं सीधा चंडीगढ़ जा रहा हूँ। मैं सोनीपत से पहले हम लोग इसी धबा से वेलकम टू वीर धबा। यहाँ पे थोड़ा हल्का रोटी और दाल फ्राई ले लिया, ज़्यादा नहीं, एक दाल फ्राई और दोनों मिलके हमने रोटी ले लिया, चाय ले लिया, और यहाँ से अभी निकल जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। दिल्ली छोड़ने के बाद हम लोगों का ये फर्स्ट टोल प्लाजा है,
अगर मुझे सोनीपत क्रॉस कर गए और मुझे एग्जैक्टली टाइम मतलब सॉरी एग्जैक्टली मुझे जगह का नाम पता नहीं है। अभी चंडीगढ़ एंट्री ले रहे हैं, अभी क्या घड़ी का टाइम हो रहा है लगभग 12:45 रात को, तो अभी जाके होटल देखना है एक दो और उसके बाद चेक इन करना है। मतलब रास्ते के दोनों तरफ आपका हाई राइज बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, बहुत मतलब डेवलप्ड सिटी है चंडीगढ़। मैंने सुना था बहुत प्लान्ड सिटी है, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे रोड का भी काम चालू है, फ्लाईओवर बन रहा है फिर से इसके ऊपर,